यूट्यूब के भाई से आईफोन आ गया भैया इनका। भैया एक राउंड खिलवा दो भैया, एक राउंड भैया चलने लगा रहे हो कि नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करता हूं तुम अच्छे होगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत ऑलमोस्ट 11-12 दिन के बाद हो रही है। एक्चुअली बीच में यार काफी सारी चीजें ऐसी घट गई जो मैं नहीं बता सकता हूं। मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, मेरा तो मन ही कर रहा था ऑलमोस्ट कि मैं व्लॉगिंग छोड़ ही दूं। क्या रीजन था यार, लोग मेरे पिछले व्लॉग्स उठा करके देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। पर सभी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, नहीं यार ऐसे हार मत मानो और व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते रहो। काफी सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी देखे जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है कंटिन्यू रखते हैं व्लॉगिंग को। तो आज मैंने फिर से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी आप लोग जस्ट देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे दो, तो कुछ इस तरीके का भी दिक्कत थी जो मेरे घर पर चल रही थी। तो दिक्कत क्या थी, ये अपना घर को थोड़ा सा रेनोवेट करवा रहे थे तो इस वजह से भी थोड़ा सा बिजी थे। अभी आज फ्री हो गए, अब आज हम लोग घर पे पेंटिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं। तो अपने हाथ से हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो वही सब अगर देखते हैं, अगर कुछ दिखा पाए तो दिखाएंगे कैसे पेंटिंग हम लोग करते हैं। क्योंकि भाई अभी अपने पास इतने पैसे तो है नहीं कि यार पेंटर को बुलाएं और फिर पेंटिंग करें। तो ऑलमोस्ट आप लोगों में से काफी ऐसे लोग होंगे जो खुद से घर में पेंटिंग वेंटिंग करते होंगे, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन अब चालू हो चुका है। दीपावली नजदीक में ही आने वाली है, एक दो दिन में ही दशहरा भी है, तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। तो घर में साफ सफाई करना तो बनता ही है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी जस्ट मैं बैठा हूँ, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देख रहा हूँ। इंडिया की यार बॉलिंग आज थोड़ी सी इतनी इफेक्टिव नहीं दिखी है। तो यार वीडियो कल तो कंटिन्यू हो पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पूरे घर पे पेंटिंग वेंटिंग कर रहा है। अगर आप अभी सामने से मुझको देखोगे तो कुछ अलग ही मैं देखने में लग रहा हूँ, इस वजह से मैं सामने से नहीं दिखाऊंगा। अभी बस ये देख लो आप सीन, इसके बाद जब चेंज होगा तब कुछ अलग ही पेंट आएगा। इस तरीके का हम लोग ये पेंट कर रहे हैं, खुद ही अपने हाथ से कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से पेंट वेंट करते हैं। तो गाइस 24 घंटे बाद ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। आज है दशहरा का दिन, हम लोग जा रहे हैं दशहरा मेला घूमने के लिए। अभी मैं आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ जो पेंटिंग वगैरह है, देख सकते हो आप लोग पीछे दीवार। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं पेंट वगैरह कर रहा था, तो गाइस जो मुझे मेरा मोमोज चैलेंज था ना, मैंने सब बच्चों के साथ बनाया था, तो उसी में से एक लड़का आया था, कह रहा था मुझे आपके साथ एक चैलेंज वीडियो बनाना है। तो मैंने कहा आज नहीं भैया, आज तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दशहरा मेला घूमने के लिए। तो कानपुर में जाएंगे, देखेंगे जहाँ जहाँ जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सामने से जो पेंटिंग वगैरह मैंने करी है, तो जस्ट चेक करो आप। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का मैंने पेंटिंग किया है। तो जस्ट चेक करें आप, कुछ इस तरीके का पेंट मैंने किया हुआ है, पूरा सब जगह हो गया है। बस खाली यहाँ पर ये रह गया है, ये जो ये आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर रह गया है, बाकी सब जगह पेंट हो चुका है, मस्त लग रहा है। तो भाई 24 घंटे तक हम मम्मी पापा भी चला भाई, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग लगे हुए थे, तब जाकर करके 24 घंटे में पूरा कंप्लीट हो पाया था, पूरा घर हम लोगों ने पेंट कर लिया है। तो आज दशहरा का दिन है, पापा को ले आया, क्या लाया, पान। तो भाई दशहरा के दिन अगर पान नहीं खाया तो फिर क्या है। अभी कुछ ही देर में कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। मैं बहुत, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मैं सोच रहा था कि अपना जो स्क्वाड है इसके साथ मैं व्लॉग करूँ, तो फिलहाल अभी तक तो व्लॉग नहीं हो पाया, आज वो पॉसिबल हो पा रहा है। एक अपना एक बंदा गायब है, तो ट्राई होगा स्क्वाड तो आज भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी के साथ मैं आज व्लॉग करूंगा। तो दिखाते हैं आपको पान, मम्मी ने तो अपना पान खाना चालू ही कर दिया है आज के दिन में। तो ये देखो ये पापा मस्त पान वान ले आए हैं, तो चलते हैं पहले बाहर घूमते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को सारी चीजें। तो चलें जल्दी से बाहर, चलो चेक करें आप। इसी का मैं वेट कर रहा था, ये आ चुका है, ये अपनी गाड़ी से आया है, अभी हम भी जा रहे हैं इसके संग में। एक इंसान को और लेने जा रहे हैं, उसके साथ ही तब हम लोग जाएंगे, ट्राई अपना तब कंप्लीट हो पाएगा, अभी जा ही रहे हैं, बस चेक करें आप। रास्ते में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, शायद इतना ज़्यादा बाहर हल्ला गुल्ला तो मेरी आवाज़ भी कम है, इसलिए मैं बहुत नज़दीक से बोल रहा हूँ ताकि आवाज़ आए मेरी। भाई अपने पहले दशहरा के पास पहुँच चुके हैं, दशहरा रावण दहन के, रावण दिखाने के लिए बेसिकली पहुँच गए हैं 12 देवी में, जो कि घर के बहुत ही नज़दीक में है। चलते हैं दिखाते हैं आपको, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, ये चेक करें आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। हाँ हमने अभिषेक को ड्राइवर बना दिया है, अभिषेक ही ड्राइविंग करेगा। देखो देखो बच्चे, यार कुणाल आज क्या खिला रहे हैं, क्या खिला यार। सबसे पहले तो हमने पहुंच गया 12 देवी मंदिर, यहाँ दर्शन वर्शन करते हैं, यहाँ व्लॉग व्लॉग नहीं करेंगे, निकलेंगे जब मेला स्टार्ट होगा तब दिखाएंगे। कहाँ चल रहे हो? अच्छा जय माता दी। लाइट मांगते भाई, इनने नया नया आईफोन खरीदा है, चेक करें आप।
दिखा रहे हैं, फ्लेक्स मार रहे हैं आईफोन के लिए। इनने आईफोन खरीद लिया भाई, यूट्यूब के पैसे का आईफोन आ गया भैया इनका। कौन सा लिया आईफोन 14? 14 प्लस। चलो इनके कुछ रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं जल्दी से, ये चेक करें आप आईफोन मस्त भाई। भीड़ चेक करो आप, भीड़ देखिए आप, दशहरा की भीड़ है, झूला झूला मारा पर भाई बहुत भीड़ है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने देख लो मिनी समोसे ले लिए हैं, तो हम लोगों ने समोसे वैसे ले लिए यही खा रहे हैं, बाकी तो कुछ और खाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे सब भाई खाएंगे। अभी यहाँ नहीं खाएंगे, बाहर खा के चलेंगे ना, यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसकी भी क्वालिटी कौन अच्छी होगी, लेकिन खा ले रहे हैं क्योंकि मेला में ये सब चीज़ें नहीं ट्राई करी। हे भगवान, हे कृष्ण जगन्नाथ, जल्दी से इंजॉय करते हैं, भीड़ चेक करो एक बार, इतना आदमी आया हुआ भाई, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। झूला झूलने का यार गोली मार, पीछे इतनी भीड़ है एक बार बता नहीं सकता। गोली चलवा दो, गोली 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 क्या? गोली गोली चलवा दो इनका, मारा गोली चलवाए, चलो गोली चलवाए, चलो गोली चलवा दो भैया, भैया भैया एक राउंड खिलवा दो भैया, एक राउंड वाला। इन लोगों को शौक चढ़ा है गोली चलाने का, ये कह रहा है, कह रहा है जो ना देर लाइटर लगा। तो यहाँ पे अभिषेक शॉट लगाता हुआ, देखते हैं क्या होता है। भारत गन शूटिंग 30 रुपए में 10 पैर मिलेंगे। अभिषेक ट्राई करेगा, इन्होंने 10 शॉट मारे जिसमें 4 ही लगा पाए ये लोग, बाकी सब बेकार हो गए। 3 हमारे थे, 1 रुपए ये लोग निशांची नहीं है। चलो गाइस आपको दिखाते हैं रावण रामलीला का अंतिम चैप्टर, जो था वही चल रहा है, दिखाते रहो। छोटा रावण बनाएगा यार रामलीला का, टीवी पे दिखा रहे हैं उसकी मृत्यु हो गई। ये है कुछ यहाँ का रावण, चेक करें आप, 12 देवी का क्या बहुत छोटा सा बनाया गया है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं 12 देवी से, अभी हम लोग जा रहे हैं साकेत नगर की तरफ, परेड जाना था क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का काम इतना ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ का कैंसिल कर दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं साकेत नगर, साकेत नगर का रावण आप लोगों को दिखाते चल के चलते। अब थोड़ा थोड़ा भीड़ कम होने लगी है रास्ते में, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। कमेंट करके बताना ये कौन सी रास्ता है, जल्दी से आप लोग बताना। गाइस एक बार भीड़ चेक करें आप, यहाँ पे सब तरफ भीड़ ही भीड़ है, इतनी भीड़ है पूछो ना। पहली बार का वीडियो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रही है, चेक करना, बिल्कुल भीड़ नहीं थी आज, देखिए भाई इतनी भीड़ है पूछो ना। ये चेक करें आप रावण कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, सामने चलते हैं एक बार। ये चेक करें आप रावण मेला, जो यहाँ इतनी भीड़ है, रावण दहन होने वाला है काफी कुछ ही देर में, पूरा क्रेडिट इस बंदे को जाता है, यही बहुत मेहनत कर रहा है हम लोगों के लिए, आतिशबाजी होती जाके। तो गाइस अभी हम लोगों ने डिनर ब्रेक बोले कि ना बोले, ये ना बोले। तो गाइस अभी हम लोगों ने डिनर ब्रेक लिया है, उसके बाद चलेंगे रावण दहन देखने के लिए, डिनर विनर कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो यार 1 घंटे का डिनर ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रावण देखने के लिए, बता रहे हैं आज जल चुका रावण भाई। रावण कहाँ है, तहस नहस हो गया क्या, कहाँ है? गाइस यार हम लोग लेट हो चुके हैं, थोड़ा सा चेक करें आप, रावण जल चुका है, रावण जल के स्वाहा हो चुका है, हम लोग राग ले आए। हम लोग खाना खाने में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि हम लोग भूल ही गए कि रावण दहन का समय हो रहा है। वैसे हम लोगों को पता था कि रात में शायद 12:30 के आसपास चलेगा, नहीं यार पहले ही बंद हो गया, कोई बात नहीं। क्या हुआ भाई, हम आपको बताना चाहते हैं वाली आज की बात, कुणाल ने पहली बार जिंदगी में खिलाई है, देखते ही मेरे आंसू निकल गए, बस आंख से नहीं आए थे वो आंसू। ये वाली आइसक्रीम ने पहली बार कुछ खिलाया, पहली बार कुछ खिलाया है, अब हम इसके लिए जान दे देंगे, काम में भी खा रहे हैं। Yeah.
घर से। भाई भीड़ भगेगी तो भागने पर जगह नहीं मिलेगी भाई। जैसे रावण दहन हुआ चेक करो पीछे भीड़ चढ़ा भाग रहा है। ये रावण की कहानी खत्म, जल के राख हो चुका रावण। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में भर देना जय लंकेश जय श्री राम, ये सब लिख देना। तो यार हम लोग रावण मेला से निकल के पहुंच चुके थे घर। काफी मजा आया आज इस वीडियो के लिए। बहुत दिन से परेशान थे कि इस टाइप का कुछ वीडियो बने, तभी वीडियो में काफी ज्यादा पॉज भी हुआ था। तो कोई बात नहीं, अब आप लोगों को रेगुलरली इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, होप करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।